आज हम सबसे पहले आपको एक शुभ समाचार सुनाना चाहते हैं और वो ये कि हमने माउंट सिकदर को लेकर जो राष्ट्रवादी मुहिम शुरू की थी उसे आप सबका जबरदस्त समर्थन मिला है और अब ये मुहिम एक राष्ट्रव्यापी मांग में बदल चुकी है और इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और ब्रिटेन की सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि जिस देश के कंधों पर लूटे गए श्रेय का बोझ ज़्यादा होता है उस राष्ट्र को एक ना एक दिन ज़रूर झुकना पड़ता है। इसलिए ब्रिटेन को अब राधानाथ सिकदर को उनका खोया हुआ श्रेय दिलाने के लिए खुलकर सामने आना चाहिए। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से जब हमने माउंट सिकदर का विचार आप सबके सामने रखा तो हमें ये उम्मीद थी कि भारत के लोग ब्रिटिश राज में हुई इस ऐतिहासिक लूट का डीएनए समझेंगे और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सब ने इस लूट को ना सिर्फ समझा बल्कि इस विचार ने राधानाथ सिकदर को घर घर तक पहुंचा दिया और ये तब हुआ है जब आप सबको राधानाथ सिकदर के बारे में ना तो आपके स्कूल में पढ़ाया गया ना कॉलेज में पढ़ाया गया ना ही इतिहास में उनके बारे में कोई जिक्र किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि राधानाथ सिकदर अपनी मृत्यु के 150 वर्ष बाद भारत में पहली बार कल ट्विटर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। सोचिए जिस महान गणितज्ञ के बारे में लोगों को कुछ दिन पहले तक कोई जानकारी तक नहीं थी उनके लिए ट्विटर पर एक अभियान चला और कुछ ही समय में इसने माउंट एवरेस्ट जैसा विशाल रूप ले लिया। राधानाथ सिकदर को ट्रेंड कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी सड़क पर कब्जा नहीं करना पड़ा, कोई नारेबाजी नहीं करनी पड़ी, लोकतंत्र के नाम पर डराने की कोई कोशिश नहीं हुई, कोई झंडे नहीं लहराए गए। सबसे बड़ी बात, राधानाथ सिकदर कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, वो क्रिकेट नहीं खेलते, वो फिल्मों में काम नहीं करते, वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कल वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे और यही आप सबकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जो चाहे कर सकते हैं, इस देश की जनता के अंदर इतनी ताकत है, हमारे दर्शकों के अंदर इतनी ताकत है कि वो राधानाथ सिकदर को अब घर घर तक पहुंचा चुके हैं अपनी ताकत के दम पर। और हम आपको यहां एक और बात बताना चाहते हैं कि कल ट्विटर पर हमारे इस अभियान से जुड़े 3 टॉप ट्रेंड्स थे। कल राधानाथ सिकदर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे पूरे देश में और लोग राधानाथ सिकदर के बारे में चर्चा कर रहे थे, माउंट एवरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। राधानाथ सिकदर का निधन 57 वर्ष की उम्र में वर्ष 1870 में हो गया था। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था और आज इसीलिए उनकी ये कहानी सुनाने वाला उनका कोई अपना इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार नहीं है। और इसीलिए हमने कल भी आपसे कहा था, अब हम लोग ही राधानाथ सिकदर के परिवार हैं, आप ही राधानाथ सिकदर का असली परिवार हैं। आज हमने राधानाथ सिकदर के व्यक्तित्व और उनकी अद्भुत उपलब्धियों को और करीब से समझने के लिए उनके बारे में और ज्यादा शोध किया, रिसर्च की और ज्यादा जानकारियां इकट्ठा की। इसलिए आज आपको हमारा ये विश्लेषण बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहते हैं जिससे आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। यह ट्रेलर हमारी इसी मुहिम से जुड़ा हुआ है जिसमें देश भर से आई लोगों की प्रतिक्रियाओं को हमने शामिल किया है, क्योंकि हमें लगता है कि जो मुहिम हमने शुरू की थी उसे अब भारत के लोगों ने यानी आप सब ने अपना लिया है और हम सब एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह, एक टीम बनकर माउंट एवरेस्ट को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसलिए यह 2021 का आजादी का आंदोलन है। राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था। और यहां आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। जो सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को मापने का काम राधानाथ सिकदर को सौंपा गया। मैं बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम
एवरेस्ट के इतने करीब आ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया है और सिकंदर के नाम से ही प्रसिद्ध होना चाहिए। इस परंपरा को जो भी ब्रिटिश काल के अंदर जो उस समय का साम्राज्य था, लेकिन आज अपनी भारत सरकार को इस पहल को आगे बढ़ा के और बच्चों के पाठ्यक्रम में भी अनिवार्य हो जाएगा जो आगे रहेगा, जो आज तक हम लोग मिसगाइड होते हुए हैं। परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी कितनी पीढ़ी चेंज होगी आपके हिसाब से, 1852 के हिसाब से अब तक के टाइम में देख लीजिए लोगों किसको मिला और किया किसने। सर सिकंदर के नाम से जो बात चल रही है और इस बात की भी सत्य की विशेष रूप से जांच होनी चाहिए, इसके लिए चाहे तो सरकार एक कमेटी बना ले। कल भारतीय ऐसा देश है जहाँ पे इसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, नेपाल में इसका अलग नाम है, चाइना में इसका अपना लोकल नाम है, सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसी जगह रह गया जहाँ पे इसको माउंट एवरेस्ट बुलाया जा रहा है। जब तक ती है अगर सही बात है तो 100% इसका नाम चेंज करना चाहिए और अपने गुलामी का ये सब हटाना चाहिए। जो एवरेस्ट थे ये तो हमारे इंडिया के थे नहीं पहले, ये बाहर से आके इन्होंने जो भी करा है, तो इनका कहीं ना जिस तरह से योगदान था इनका भी नाम उस हिसाब से हमें आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार को ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि इनको भी ऊपर कैसे सम्मान मिले। भारतीयों के बच्चों के मन में एक बड़ी कॉन्फिडेंस जागृत होगा कि हमारे पूर्वज ऐसे थे तो हम क्यों ना ऐसे बने, ये चीज़ें उजागर करना बहुत जरूरी है। एवरेस्ट के बारे में तो बहुत गलत नॉलेजेस दी गई हैं, सही पता होना चाहिए सब लोगों को और अपने हमारे देश के बारे में हमें सही ज्ञान मिलना चाहिए। दादानाथ सिकंदर जी का नाम कोई नहीं जानता था, वो एक ऐसा नाम था कि मुश्किल से देश में कुछ ही लोग उनको जानते थे, पर धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्हें उसके माध्यम से समस्त देशवासियों ने उस नाम को जाना पहचाना। मुझे लगता कि अभी केंद्रीय सरकार इस पे बहुत सारे नियम कानून भी लाएंगी, एक्शन भी लेंगी, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नामों स्टेशनों और अलग अलग जगहों का नाम चेंज करके उनको पूर्ण में पहले के नाम से लाया जा रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार इस पर भी ध्यान दें और सही व्यक्ति को उनका श्रेय दिया जाए। केंद्र सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जिससे माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज होकर जो उनके एक्चुअल क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए, जिसके उनको हाइट जो इंडियन मैथमेटिशियन थे राधानाथ सिकंदर जी को देना चाहिए। जी न्यूज और जी न्यूज की पूरी टीम ने ये एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, माउंट एवरेस्ट का नाम बदल के माउंट सिकंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजों ने उस टाइम पे किया वो हमारी विरासत को एक प्रकार से लूटने के बराबर है। जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं या जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी और हमारे देश का नाम रोशन होगा। बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे इंडिया से जिनका नाम रखा जाए, मतलब एक टाइप की रिस्पेक्ट मिलेगी इंडिया को। देश के गणितज्ञ जिन्होंने इसकी ऊंचाई को वास्तव में नापा था उनके नाम पर इसका नाम होना चाहिए और हमें उसी नाम से पुकारना चाहिए। इस मुहिम का हम समर्थन करते हैं। तो इस जबरदस्त समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकंदर करने के लिए नेपाल और चीन के अलावा संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की सहमति भी जरूरी होगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल के सागरमाथा नेशनल पार्क में मौजूद है जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है, जिसे हम अपनी सफलता भी मान सकते हैं, कि यूनेस्को की गवर्निंग बॉडी में भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर श्री जे एस राजपूत ने जी न्यूज के इस अभियान को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि वो इस विषय को यूनेस्को में उठाएंगे। इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकंदर बनाने का हमारा अभियान अब अगले चरण में पहुंच चुका है और अब ये बात राजपूत साहब के जरिए यूनेस्को तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएगी। कल जब मैंने उस कार्यक्रम को देखना प्रारंभ किया तो उसके बाद मैं उस कार्यक्रम की समाप्ति तक और कहीं नहीं गया, क्योंकि वो इतना प्रभावशाली था और अंदर तक आपको झकझोर देता है, विशेष रूप से क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ और राधानाथ जी के इस योगदान को मैं जानता था। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर रहा हूँ इसलिए मुझे जानकारी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनके नाम को बहुत ही कम लोग जानते हैं। कल मुझे ये याद आया कि इस देश का इतिहास अंग्रेज़ों ने एक विशेष दृष्टिकोण से लिखा था, लिखवाया भी था। उनकी एक नीति थी कि भारतीयों को भारत से अलग करना है। उस समय एवरेस्ट की ऊंचाई को ज्ञात कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने किया। भारत को
भारतीयों से जोड़ना, भारत की संस्कृति से उन्हें परिचित कराना, हमारे वैज्ञानिकों के योगदान से परिचित कराना हमारे युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद हो सकता है। और ये निश्चित रूप से कल जो कार्यक्रम दिखाया गया है उनको लेकर के, उससे मेरे मन में बात पैदा हुई है कि मैं इस समय यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधि हूँ, यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि इस प्रश्न को उचित स्थान पर उचित ढंग से उठाने का प्रयास किया जाए कि क्या कुछ हो सकता है। तो जेएस राजपूत का ये समर्थन हमारी इस मुहिम को एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि उनके जरिए अब हम यूनेस्को तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और जेएस राजपूत एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जो स्कूली शिक्षा के लिए इतिहास की किताबों का पाठ्यक्रम तय करता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारा समर्थन किया है और हमारी प्रशंसा की है। आप सबसे भी हमारी यही अपील रहेगी कि आप भी, आप जिस भी रोल में हैं, जहां भी आप बैठे हैं, अब आप देखिए कि आप इस पूरी मुहिम में क्या भूमिका निभा सकते हैं, किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। इसमें हर व्यक्ति की एक भूमिका रहेगी, हर व्यक्ति का एक रोल रहेगा। और आप सबसे हमारी अपील है कि आप देखिए अपने अपने तरीके से, अपने अपनी भूमिका में आप इस मुहिम को सफलता दिलवाइए। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। इतिहास एक कालखंड में हुई घटनाओं और उससे संबंध रखने वाली बातों का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए, जैसे आज से 100 वर्षों के बाद जब हमारी इस मुहिम का कहीं जिक्र होगा तो इसे इतिहास कहा जाएगा। हो सकता है इस समय हम और आप मिलकर इतिहास बना रहे हों, लेकिन जब कोई इतिहासकार इसे लिखने बैठेगा तो यह इतिहास उसके विचारों तक सीमित हो जाएगा। और राधानाथ सिकदर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। इतिहासकारों ने उनके साथ अन्याय किया, उन्होंने इतिहास तो रचा लेकिन इतिहासकारों ने उसे आप तक पहुंचने नहीं दिया। राधानाथ सिकदर ने जब पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी तब इतिहास बना था, लेकिन जब यही इतिहास लिखा गया तो राधानाथ सिकदर की उपलब्धियों को भुला दिया गया, नीचे दबा दिया गया। और यही बताने के लिए आज हमने इस पर और गहन रिसर्च किया है। हम आपको इसे सिर्फ 3 पॉइंट्स में आज समझाना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रोफेसर केनेथ मेसन ने अपने एक लेक्चर में माउंट एवरेस्ट से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। इस लेक्चर का शीर्षक था हिमालयन रोमांसेस। इसमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 1852 में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की गणना के दौरान एक सुबह एक बाबू, जिसे आप क्लर्क भी कहते हैं तो वो लिखते हैं, एक बाबू दौड़ते हुए सर एंड्रयू वॉ के दफ्तर में घुस गए। एंड्रयू वॉ उस समय सिकदर साहब के बॉस हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की खोज कर ली है। सर एंड्रयू वॉ सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने थे, और जिस बाबू ने उनके दफ्तर में माउंट एवरेस्ट की खोज की जानकारी उन्हें दी थी वो बाबू कोई और नहीं बल्कि राधानाथ सिकदर ही थे। उस समय बाबू सरकारी दफ्तरों में काम करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी होता था, और यह शब्द आज भी इस्तेमाल होता है। रिसर्च के दौरान ही हमें एक और बात पता चली कि राधानाथ सिकदर पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया में कंप्यूटर के पद पर नौकरी मिली थी। तब उनकी मासिक तनख्वाह सिर्फ 30 रुपए हुआ करती थी, और इतने पैसों में वो अपनी पढ़ाई का खर्च और अपना घर और परिवार का खर्च दोनों चलाते थे। यही नहीं, राधानाथ सिकदर ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए उस समय किसी आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अब आप सोचिए वो कितनी प्रतिभा के धनी रहे होंगे। राधानाथ सिकदर की उपलब्धियों को समझने के लिए आज आपको कुछ शिक्षाविद और पर्वतारोहियों के भी विचार सुनने चाहिए। भारतीय मैथमेटिशियन थे राधानाथ सिकदर जी, जिन जो बंगाल में जन्मे थे और जिनका जो पूरा समय सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी
जगहों पे बीता, उन्होंने एक्चुअल में पता लगाया कि मध्य प्रदेश में एक सिरोंज नाम की जगह है जो जहां से उन्होंने ट्रिग्नोमेटिकली या ज्यामितिक रूप से किसी भी चीज को नापा। बंगाल में कोलकाता से उन्होंने ये बताया कि ट्रिग्नोमेटिकली किसी चीज को कैसे नापा जा सकता है, चाहे वो थर्मोलाइट हो या बाकी अपरेटस हो। इसके बाद उन्होंने खुम्बू रीजन में जहां पर पीक, काफी सारी पीक, ग्रेट आर्क एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय चल रहा था, ग्रेट आर्क में ही उन्होंने पता लगाया कि खुम्बू आइस रीजन में कई पीक हैं जो अननेम्ड हैं और उसके कई रूप हो सकते हैं, और उसी में से एक पीक 15 थी। राधाना सिग्जर जी ही थे जिन्होंने ये पता लगाया कि जिस पीक 15 जो वर्तमान में माउंट एवरेस्ट के नाम से फेमस है, दिस कुड बी द हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। और उसके बाद ही उन्होंने इसकी पूरी एक प्रॉपर थीसिस बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, उसको सबमिट किया था। और उसके बाद ही इस पर चर्चा आरंभ हुई कि जो सबसे दुनिया की सबसे जो ऊंची जगह है वो ये पीक 15 है। नाम जब करने वाला था उस समय क्या किया, वो जस्ट वो एक गुरु का भेंट, जैसे उनका गुरु था जॉर्ज एवरेस्ट फर्स्ट सर्वे जनरल, तो उन्होंने प्रपोजल दिया जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे करने के लिए। यही एक गलती हुआ था उस समय, क्योंकि कोई पिक का नाम कोई फॉरेनर का नाम पे नहीं हुआ था। सब पिक का उस समय रूल मतलब कोई फिक्स कोई रूल नहीं, सब ने लोकल जो नाम था वही नाम हुआ था, जैसे कंचनजंघा, जैसे अन्नपूर्णा, सब लोकल नाम मकालू। लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट का नाम पे वो एवरेस्ट का पिक का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, हालांकि उसका पहले से ही एक दूसरा नाम उधर चोमलुंगमा टिबेटियन नाम वो था एवरेस्ट का, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे हो गया था बाद में। लेकिन राधानाथ सिकदर का जो फेम मिलना चाहिए था वो फेम नहीं मिला, सब ने वो जॉर्ज एवरेस्ट का बारे में बताया सबको ये पीक एवरेस्ट का नाम पे, और एंड्रू वा लाइमलाइट में आ गया। अभी हमने आपसे कहा कि आज हमने उनके बारे में काफी रिसर्च किया है और प्रोफेसर केनेथ मेसन का नाम अभी हमने आपके सामने लिया था, तो देखिए प्रोफेसर केनेथ मेसन ने क्या लिखा है। जो उनका लेक्चर था जिसका नाम था हिमालयन रोमांसेस, उसमें लिखा है, इट वॉज ड्यूरिंग द कंप्यूटेशंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न ऑब्जर्वेशंस दैट अ बाबू रश्ड ऑन वन मॉर्निंग इन 1852 इनटू द रूम ऑफ सर एंड्रू वॉ द सक्सेसर ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट एंड सेड एक्सक्लेम्ड सर आई हैव डिस्कवर्ड द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड ही हैड बीन वर्किंग आउट द ऑब्जर्वेशंस टेकन टू डिस्टेंट हिल्स। It was Sir Andrew who proposed the name Mount Everest, and no local name has ever been found for it either in the Tibetan or the Nepalese side. ऐसा केनेथ मेसन ने अपने उस लेक्चर में कहा है। और एंड्रू वॉ जो थे उन्होंने बड़े आराम से बिना किसी विरोध के उस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया। इसके बाद हमने एक पेपर और पढ़ा जो कि कौशिक रॉय ने लिखा है राधानाथ सिकदर के बारे में ही। वो लिखते हैं, राधानाथ वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन एज कंप्यूटर एज एट द मंथली सैलरी ऑफ ₹30 वाइल स्टिल बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट। राधानाथ ऑल्सो नीडेड दैट सैलरी टू बेल हिज फाइनेंशियली एग्जॉस्टेड फैमिली आउट ऑफ डिस्ट्रेस। बहुत गरीब परिवार से आते थे राधानाथ सिकदर, ₹30 उनकी तनख्वाह थी और किसी तरीके से वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे और साथ में पढ़ते भी थे उसी पैसे से। और फिर एक पेपर हमने आज और पढ़ा है, इसके ऑथर जो हमने आपको बताया था कौशिक रॉय हैं। इसके पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा है, ही अचीव्ड द फीट विदाउट एनी मॉडर्न इक्विपमेंट वे बैक इन 1850s। उस जमाने में कोई उनके पास ऐसी कोई मॉडर्न मशीनरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो भी उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। इससे यह पता चलता है कि वो कितने टैलेंटेड थे, कितने प्रतिभाशाली थे, कितने प्रतिभावान थे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी आज हमारी इस मुहिम की तारीफ की है और आज आपको उनका विचार भी सुनना चाहिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने की दिशा में उनके मंत्रालय की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। मैं कल उस स्टोरी को देख रहा था, अच्छी बात है, हमारा कोई
भारत के किसी व्यक्ति ने अगर वो लंबाई को ना पाए तो स्वाभाविक है उनको वो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी सवाल है और मुझे लगता है कि ये एक अभियान छेड़ा है जी ने, तो मैं जीटीबी को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि जब कभी अभियान चलते हैं तो कभी ना कभी वो परिणाम तक पहुँचते भी हैं। आपकी ये मुहिम है, मैं समझता हूँ ये विचार के योग्य है, एक बार इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन विचार योग्य विषय है ये मैं मानता हूँ। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किए तो उनका मकसद सिर्फ भारत को आज़ाद कराना नहीं था, वो भारत के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को भी जगाना चाहते थे। और आप कह सकते हैं कि जी न्यूज़ ने भी महात्मा गांधी के इसी सिद्धांत पर चलते हुए राधानाथ सिकदर पर ये राष्ट्रवादी मुहिम शुरू की है। ये भी एक नई तरह का राष्ट्रवाद है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद है और इसीलिए नेपाल में हमारी इस मुहिम की आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। वहाँ के तमाम अखबारों की हेडलाइंस में हम लोग छाए हुए हैं, ये मुहिम छाई हुई है। वहाँ के लोग इंटरनेट के जरिए भी हमें देख रहे हैं, टेलीविज़न पर भी देख रहे हैं और अखबारों में भी हमारे बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। और हम वहाँ पर भी हमें लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, नेपाल के लोगों का भी। नेपाल में आज के अखबारों में हमारी इस मुहिम को प्रमुखता से छापा गया है और हमारी टीम ने वहां कई लोगों से इस पर बात की है। नेपाल के लोग राधानाथ सिकदर के बारे में पहली बात तो ये जानते ही नहीं थे, लेकिन जब हमने ये बताया तो आज आप देखिए कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपको आज देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हम लोग तो अपनी सगरमाथा पे गर्व है, सगरमाथा के नाम से जाने तो और अच्छी बात है, दूसरे लोग भी जाने। और माउंट एवरेस्ट के लोग से अभी जानते थे, चोमलिंग के नाम से जानते थे, वो कोई क्या कर रहा है उसे लेना देना नहीं। हमारे लिए गर्व की बात है कि सगरमाथा है ये, और इसको दूसरी दुनिया क्या कहती है वो दूसरी दुनिया की बात है। नेपाल में उसे सगरमाथा कहा जाता है, सगर अर्थात आकाश को छूने वाला, तिब्बतन लैंग्वेज में चोमलोंगमा और अंग्रेजी में एवरेस्ट। अभी एक नई बात आई है, वो जी न्यूज वाले वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि माउंट सिकदर होना चाहिए, सिकदर होना चाहिए। उनका अपना तर्क है ये, क्योंकि वो नापने वाले जो थे सबसे पहले एवरेस्ट को नापने वाले, उनका नाम सिकदर था, तो उनके नाम को भी याद करना चाहिए। अगर वो भी वो रखा भी अच्छा, ये उससे भी ज्यादा तो माउंट एवरेस्ट ने मेरे लिए अच्छा है। नेपाल में ये एक नया विवाद आजकल बन गया है और नेपाल के मीडिया में भी अब दो हिस्से हो गए हैं। एक मीडिया ऐसा है जो इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जो ये कह रहा है कि भारत से इतना बड़ा एक मीडिया ग्रुप आया, जी न्यूज की टीम वहां पर आई और अब वो माउंट एवरेस्ट पर भी भारत का दावा ठोक रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम नेपाल के अपने सारे दर्शकों को हमने कल भी कहा था, आज भी हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप हमारे लिए, ये नेपाल के दर्शकों के लिए कह रहे हैं, नेपाल के लोगों से हम कह रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत खास हैं, हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं और हम ये चाहते हैं कि भारत के लोग और नेपाल के लोग हमेशा मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहें, क्योंकि हम एक परिवार ही तो हैं। और सरकारें आती जाती रहती हैं, चुनाव होते रहते हैं, चुनावों के नतीजे कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं, लेकिन सरकारें किसी की भी बने, विचारधारा सरकारों की कुछ भी रहे, लेकिन दोनों देशों के जो लोग हैं हम एक परिवार की तरह हैं, हम राम लक्ष्मण की तरह हैं, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। और हमारी ये जो मुहिम है ये नेपाल से माउंट एवरेस्ट को छीनने की नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट पर भारत का दावा ठोकने की मुहिम नहीं है। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल का ही था, नेपाल का ही रहेगा और नेपाल में ही रहेगा, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं और नेपाल के लोग भी इसमें हमारा साथ देंगे कि जिस व्यक्ति ने नेपाल में माउंट एवरेस्ट इस चोटी को नापा था उसे उसका श्रेय मिलना चाहिए। और हम सिर्फ उस माउंट एवरेस्ट को अब अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहते हैं और हमें लगता है कि नेपाल के लोग भी हमारा साथ देंगे इस मुहिम में। राधानाथ सिकदर का जन्म संयुक्त बंगाल के कलकत्ता में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय हुगली जिले के चंदन नगर में बिताया था और इस जिले में राधानाथ सिकदर का एक म्यूजियम भी है,
जहां उनसे जुड़ी यादों को आज भी बहुत संभाल कर रखा गया है। इस म्यूजियम में हर हफ्ते राधानाथ सिकदर पर एक फिल्म दिखाई जाती है ताकि लोगों को उनके बारे में जागरूक किया जा सके। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी कोशिश है और इसके बारे में आप सबको भी, चाहे आप भारत में या दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आप अगली बार अगर पश्चिम बंगाल जाएं तो इस म्यूजियम के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। इतना इंडिपेंडेंस का इतना साल बाद हम लोगों ने नहीं दिया उनको, ये जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट उनको जो मिलना चाहिए, उनको देशवासी का पास जो सम्मान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। ये आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हर हफ्ता में ये राधानाथ सिकदर का फिल्म हम लोग दिखाते हैं और ये इनफैक्ट दे एंजॉय दिस फिल्म एंड ये आवाज़ उनके साथ एक साथ ही हम सारी 137 करोड़ जो भारतवासी है सभी को उठाना चाहिए। राधानाथ सिकदर का नाम पर ये पृथ्वी का सबसे ऊँचा चोटी का नाम होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हुगली में राधानाथ सिकदर की जो समाधि है उस पर आज भी माउंट एवरेस्ट ही लिखा हुआ है और आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। देखिए ये उनकी समाधि है, उस पर लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट मेजर्ड बाय राधानाथ सिकदर। आप सोचिए माउंट एवरेस्ट यानी जॉर्ज एवरेस्ट जिसके नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया, पर्वत का नाम रखा गया, वो कभी इस चोटी तक, इस पर्वत तक कभी गए भी नहीं थे, उन्होंने कभी इसे देखा तक नहीं था और उनके नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रख दिया गया। और जिस शख्स ने इतना काम किया, इसकी ऊंचाई को नापा, उसे कोई श्रेय नहीं मिला और आज उसकी समाधि पर भी यही लिखा है माउंट एवरेस्ट मेजर्ड बाय राधानाथ सिकदर। अब सोचिए आप इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। और ये गुलामी की तरफ इशारा करता है कि मानसिक रूप से हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। राधानाथ सिकदर को लेकर शुरू हुए इस अभियान में आज सबके लिए एक सीख भी छिपी है और वो ये कि देश के हितों की बात करने के लिए डिजाइनर खबरों की जरूरत नहीं होती और जी न्यूज ने इसे साबित किया है, टीआरपी वाली खबरों की जरूरत नहीं होती। हमने इस पर एक रिपोर्ट आज तैयार की है जो सच्ची पत्रकारिता के मूल्यों पर पूरी तरह से सटीक बैठती है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको भी यह समझ में आएगा कि कैसे एक विचार राष्ट्रव्यापी भावना का रूप ले सकता है और नेगेटिव और प्रायोजित खबरों की रेखा मिटाई जा सकती है। आपने देखा होगा आजकल मीडिया में वो सारी खबरें चलती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जो आपको आपस में लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं और जो बेकार के विवादों को आपके घर तक, आपके दिमाग तक पहुंचाती हैं। इसलिए आज आपको ये रिपोर्ट मिस नहीं करनी चाहिए, आप इसे देखिए। वी हैव टू गो फ्रॉम देयर। कैन आई सिट हियर? ओह रियली? इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए। 10 जनवरी को हमने नए भारत के नए राष्ट्रवाद की एक मुहिम शुरू की थी। हमारा मकसद था कि जो श्रेय अंग्रेजों ने भारत के महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर से छीन लिया था उसे उन्हें वापस दिलाया जाए। इस विचार को आप तक पहुंचाने के लिए हमने माउंट एवरेस्ट का कठिन सफर तय किया और ये बताया कि भारत तो 1947 में आजाद हो गया था लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट आज भी अंग्रेजों की गुलाम है। इस जगह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। ये माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक नेपाल के जरिए जहां से हम आए हैं और इसके पीछे एक और रास्ता आता है, वो चाइना से आता है। और चाइना से क्या, असल में तिब्बत से आता है लेकिन तिब्बत को चाइना अपना मानता है, इसलिए इसके पीछे का जो पॉइंट है, इस पहाड़ के पीछे, वहाँ से आप चाइना के ज़रिए भी माउंट एवरेस्ट पर आ सकते हैं और यहाँ के ज़रिए भी आ सकते हैं। आज मैं यहाँ आपको खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। वर्ष 1852 में
राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था 1852 में। और सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था उन्होंने उन्हें ये काम दिया था राधानाथ सिकदर को कि आप जाइए और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप कर आइए। और राधानाथ सिकदर ने इस ऊंचाई को नापा और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में, वो बंगाल के बहुत मशहूर गणितज्ञ हैं थे जिन्होंने इसकी ऊंचाई नापी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए था। और यहाँ आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। तो आज मैं यहाँ राधानाथ सिकदर साहब को याद कर रहा हूँ आप सबके बिहाफ पर, हर भारतीय की तरफ से, कि राधानाथ सिकदर साहब ने इस ऊंचाई को, इस माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई को उन्होंने नापा पहली बार, इतना बड़ा काम किया उन्होंने। और हमें ऐसा लगता है कि इस माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट से माउंट सिकदर का विचार रखने के बाद हमारे साथ लोग जुड़ने शुरू हो गए। एवरेस्ट के इतने करीब आ सकते हैं। राधानाथ सिकदर कोई सेलिब्रिटी नहीं थे लेकिन इसके बावजूद ट्विटर पर लोगों ने उनके बारे में बात करनी शुरू की और यहीं से हमारी मुहिम को राष्ट्रवादी रूप मिला। राधानाथ सिकदर से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई मापने का श्रेय उस समय छीन लिया गया, लूट लिया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नामकरण एक अंग्रेज के नाम पर कर दिया गया जिन्होंने इसे कभी देखा तक नहीं था। जॉर्ज एवरेस्ट ने कभी इस पीक 15 को देखा तक नहीं था जिनके नाम पर आज इसका नाम है। आप कह सकते हैं अगर भारत वर्ष 1852 में एक आजाद देश होता तो दुनिया माउंट एवरेस्ट को शायद माउंट सिकदर के नाम से ही जानती। हालांकि यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आजादी के 73 वर्षों के बाद भी भारत में राधानाथ सिकदर को उनका यह हक दिलाने के लिए कोई आवाज नहीं उठी, किसी भी सरकार में इस पर कोई मुहिम नहीं चलाई गई, उनके लिए किसी ने पुरस्कार नहीं लौटाए, उनके लिए किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया। हमारी इस मुहिम के तहत राधानाथ सिकदर पहली बार भारत में ट्रेंड भी हुआ। करोड़ों लोगों ने हमें देखा और हमारी इस मुहिम की तारीफ की। इससे आप समझ सकते हैं कि सच्ची और राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने के लिए आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है, दिखावटी और प्रायोजित आंदोलन का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर विचार देश के हितों से जुड़ा हो तो लोग अपने आप मुहिम से जुड़ते चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस मुहिम को हम जारी रखेंगे। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.